नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग्स केस में गिरफ्तारी रिया चक्रवर्ती की बेल याचिका पर आज सुनवाई होगी। रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश माणे शिंदे के मुताबिक मुंबई की विशेष अदालत में रिया और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती के जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। आपको बता दें, इससे पहले अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने मंगलवार को रिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। रिया चक्रवर्ती को उनके लिव इन पार्टनर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स के एक मामले में 3 दिनों तक पूछताछ करने के बाद मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। एनसीबी ने रिया पर NDPS अधिनियम की धारा 8C 20B(2) 22, 27A, 28 और 29 के तहत ड्रग्स एंगल में उनकी कथित भूमिका के लिए आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही एनसीबी का दावा है कि रिया ने अब तक जो भी जानकारी दी वो उसकी गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त है। रिया को मेडिकल जांच के बाद एक वीडियो लिंक के जरिए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के सामने पेश किया गया, जहां अदालत ने रिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए उसे 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। एनसीबी ने दावा किया है कि रिया चक्रवर्ती मादक पदार्थ सिंडिकेट की सक्रिय सदस्य थी और उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स खरीदे थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।